क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। तो नालंदा जिले के अंतर्गत बिंद थाना क्षेत्र बिंद बाजार में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन किए जाने का मामला अब सामने आने के बाद घटना प्रक्षेत्र के आईजी राकेश राठी नालंदा पहुंचे, जहां उनके साथ सदर एसडीओ अभिषेक पलासिया और सदर डीएसपी डॉक्टर शिल्वी नोमानी भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस की ओर से अभी तक कोई ठोस बयान जारी नहीं किया गया है। साथ ही सदर एसडीएम अभिषेक पलासिया ने बताया कि जिस जगह पर धर्मांतरण की बात सामने आ रही है, वहां पर लोग भजन कीर्तन करने के लिए आते थे और अभी तक जांच में ये बात सामने नहीं आई है कि यहां पर लोग धर्मांतरण के लिए पहुंचे थे। फिलहाल जांच का दौर अभी भी जारी है। परमेश्वर पर काम कर रहे हैं, कौन पर बताइएगा ना, कौन धर्म के आप प्रचार कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? प्रचार नहीं कर रहे हैं, ईसा मसीह। क्या प्रॉब्लम था आपको? हेर सब हेलो जवान बेटा गुजर गेलो, ये ठीक नहीं है। तो आपको बताया गया कि ईसा मसीह के शरण में आइएगा तो आपका सब दुख दूर हो जाएगा? हाँ, अच्छा हो जाते। भगवान का नाम बताया गया था आपको? नहीं। कौन भगवान से जुड़ रहे हैं आपको बताया गया था? नहीं बताया गया था, ईसा मसीह बताया गया था। एक कोई कीर्तन भजन कीर्तन जैसा कुछ चल रहा था, तो अभी वही सूचना मिली है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है, जाँच चल रही है। फिर जैसे कुछ तक मतलब एक्चुअल सब्सटेंटिव रिजल्ट आएगा तो उसके बाद डिटेल ब्रीफिंग कर दिया जाए। सर, धर्म परिवर्तन जो शामिल होने आए थे लोग, उन्होंने कहा है कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, अब किस प्रकार की जाँच? तो अभी क्लियर कोई बयान नहीं आया हमारे जब हम जाँच करने गए थे। बाकी जैसे अगर कुछ कॉन्क्रीट मिलता है जैसा बोला, वैसे डिटेल ब्रीफिंग कर दिया जाएगा आगे। सर, इतना लंबा जांच सर, कुछ तो इसमें कुछ भी तो बात सर सामने आई होगी सर? अभी बेसिकली इतना ही है कि ये बोल रहे हैं कि जैसे समय समय पे कीर्तन वगैरह कुछ करते थे। तो वहीं बिहार के नालंदा जिले के शरीफ मुख्यालय के नगर थाना इलाके के भैंसासुर के पास सड़क किनारे बैठकर लोगों का भविष्य देखने वाले ज्योतिष की कुंडली उस वक्त गड़बड़ा गई जब एक महिला ने ठगी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करते हुए उससे रुपए की मांग की, जहां महिला के हंगामे के कारण आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने भी बाबा पर रुपए लौटाने का दबाव बनाया। वही दबाव बढ़ता देख ज्योतिषी ने एक सप्ताह के भीतर रुपए लौटाने का आश्वासन दिया। साथ ही नगर थाना अध्यक्ष कुमार ने बताया कि इस संबंध में किसी ने लिखित शिकायत फिलहाल नहीं दी है, शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी। तो वही नालंदा जिले के बेन थाना इलाके के मैजरा गांव में महिला ने पति से हुए मामूली विवाद को लेकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, जहां परिजनों ने बताया कि 12 दिन पहले मृतका के ससुर की मौत हो गई थी और घर के सभी सदस्य ब्रह्मभोज के काम में व्यस्त थे। इसी दौरान महिला बाजार जाने के बहाने घर से निकल गई और रास्ते में उसने जहर खा लिया, जिसके बाद आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। घटना घटा है कि अपने बाबा खा लिए हैं और तो दुर्घटना गुरुपुरानी ने कैसे कैसे किए नहीं किए जो कभी से जान लो। कौन लगती हैं आपकी? अरे गांव रहते हैं। अच्छा, गांव। खबर नालंदा से है, जहां
सो सराय थाना क्षेत्र के पीएल साहू स्कूल के स्टोर रूम में भीषण आग लग गई है, जहां इस आगजनी की घटना में 3 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। और घटना के बाद स्थानीय लोगों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल परिसर में आग लगाई गई है। वहीं स्कूल में आग लगने की सूचना मिलते ही प्रिंसिपल मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। रखा हुआ था, हम लोगों ने अपना प्रयास किया, फिर दमकल वाला को फोन किया गया, उसमें लेबोरेटरी का पूरा सामान भरा हुआ था, पुराने लैब का जो पहल का सामान था और भी कुछ था, कुर्सियाँ ढेर सारा था। और क्या क्या नुकसान हुआ अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, देखेंगे तब बता सकते हैं। मतलब मतलब लगभग कितने के मूल्यांकन की संपत्ति जली है? लगभग अभी तो बताया नहीं जा सकता है, 2-3 लाख के सामान था जो लेबोरेटरी में आया था, वही सब सामान था। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो बिहार के नालंदा में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की जान चली गई और बताया जा रहा है कि मामला चंडी थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थान का है, जहां ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गिर गए हैं, उसके बाद जब बाजार ले गए हैं निजी क्लिनिक में जी, वहाँ डॉक्टर ने मिली थी। अच्छा, ये कौन लगते हैं आपके? मेरे घर में स्टाफ थे। अच्छा, स्टाफ। हाँ, काम करते थे, घर को देखते थे। कितने सालों से आपके घर? बहुत दिन से। बिहार के नालंदा जिले में शरीफ मुख्यालय के लहेरी पुलिस ने लूट और मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां इस संबंध में सदर डीएसपी डॉक्टर शिल्बी नुमानी ने बताया कि लहेरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कटरा पर स्थित एक मकान में अवैध गन का निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था। और प्राप्त सूचना के आधार पर लहेरी थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब मकान की तलाशी ली और वहां से अवैध अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का चक्री, रिवॉल्वर के मरम्मत के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण तक बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। बिहार में सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुर वार्ड 12 NH 57 के पास अज्ञात अपराधियों ने एक राइस मिल के मालिक पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है और इस वारदात में मिल मालिक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, तो वहीं मिल के स्टाफ की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज चुकी है। वहीं परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और NH 57 को घंटों तक जाम भी कर दिया।
आए संजय साहब का साथ काम कर रहा था, 10 साल से पूर्व से काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा था? वो मुंशी का काम कर रहा था। मुंशी काम कर रहा था, मुंशी का। 10 साल से जहाँ भी ले जाते थे, जाते थे, आते थे, जब गोली मारा वो अपना खुद की भाग गए। मेरा भाई वहाँ मुड़ी पटक के वहाँ स्थल पर मर गए। मुंशी का काम कर रहा था 10 साल से, आज उसके साथ में गोली चला है, वो अपना चला गया ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उसको वहाँ छोड़ दिया गया है, जो कि इसका मौत जो है। क्या वजह गोली मारा है इसको? अब टाइम नहीं हम बताएंगे, टाइम का कोई पता नहीं है, टाइम किस समय मारा गया है। आप लोग को जानकारी कब हुआ? हम लोग को जानकारी हुआ 9 बजे रात में। हमारा होटल है पंप है, भारत के पंप है चकला में। हम लोग को जानकारी जैसे हुआ हम लोग पहुँचे हैं वहाँ, तो इसका लाश मिला है। कल शाम में दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो 3 अपराधकर्मी जो दूसरे मोटरसाइकिल से उनका पीछा करके राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुर भक्का टोला के पास में उन पर गोली फायर कर दिया था। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल हो गया था। दूसरा व्यक्ति खतरे से पड़े हैं, पुलिस FIR दर्ज करके अनुसंधान कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।